आइटम नंबर। नाम तो सुना ही होगा, शायद बहुत टाइम बाद सुन रहे होंगे। आइटम नंबर सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स में होते हैं ये आइटम नंबर, जिसका सोली पर्पज होता है व्यूअर्स को एक नॉर्मल फिल्म के दौरान एक झटका देने का, एक हार्ट बीट स्किप करा देने का। तो होता क्या है ये आइटम नंबर? बॉलीवुड फिल्म में आइटम नंबर्स वो सॉन्ग्स या म्यूजिक सीक्वेंस होते हैं जिनका यूजुअली उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता, और सिर्फ ऑडियंस के लिए, एंटेनमेंट पर्पज के लिए उन्हें रखा जाता है। तो एक बहुत सुंदर ब्रीदर की तरह, या मानो एक ब्रेक। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या कंट्रोवर्सी है इनमें? बेसिकली इसमें कंट्रोवर्सी है ट्रीटमेंट की। तो बॉलीवुड में आइटम नंबर्स को यूजुअली फीचर करते हैं यंग फीमेल एक्टर्स, जो ऑडियंस के हिसाब से काफी इनअप्रोप्रिएट अपीयरेंस में होते हैं। डांस सीक्वेंस होता है जो काफी हद तक सेक्सुअली ट्रिगरिंग होता है, चाहे वो अटायर हो, डांस मूव्स हो, लिरिक्स हो या एक्शन हो, और इसका सोली पर्पज होता है उस फिल्म की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली आसान शब्दों में लोगों को आइटम नंबर्स दिखाकर अट्रैक्ट करना और उस फिल्म के लिए इनवाइट करना, और ये बॉलीवुड में बहुत नॉर्मल है। बट ऐसे बहुत सारे आइटम नंबर सॉन्ग्स हैं जिन्हें लेकर काफ़ी डिबेट हो चुकी है, और ऐसा मानना है कि इनमें फीमेल एक्टर्स को काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिफाई कराए, और इन चीज़ों के लिए मेकर्स पर काफ़ी सवाल भी उठाए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे चार आइटम सॉन्ग्स के बारे में जिन्हें काफ़ी पसंद करा गया, बहुत फेमस सॉन्ग्स है वो, लेकिन उन पर ऑब्जेक्टिफिकेशन का टैग भी लगा दिया गया। सो व्हाट्स अप माय सिनेफाइल्स, दिस इज अभिनव एंड यू आर वाचिंग अनकट। आइटम सॉन्ग्स की बात करी जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है कौन सा? एवरग्रीन एसआर की फीचरिंग छैया छैया, जिसमें हम देखते हैं मलाइका अरोड़ा, और इस गाने पर काफी सवाल उठाए गए, काफी बैकलैश भी मिला इस गाने को। बट क्यों? क्रिटिक्स का कहना है कि इस सीक्वेंस में मलाइका अरोड़ा को एक सेडक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे करा गया है, और इनकी कोरियोग्राफी और फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत सेंसुअली फोकस डाला गया है, और उन्हें सिर्फ मेल प्लेजर के लिए सीक्वेंस में रखा गया है। काफी लोगों ने कहा कि ये इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ये चीज वेस्ट में बहुत गलत पोर्ट्रे हो रहा है। इनके मेकर्स ने इसे आर्टिस्टिक फ्रीडम का सहारा लेकर डिफेंड करने की कोशिश करी, बट क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म मेकर्स इंडियन कल्चर को इस तरह से पोर्ट्रेट नहीं कर सकते। तो आपका इस सॉन्ग को लेकर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारा नेक्स्ट आइटम नंबर है कजरारे कजरारे, जो शायद हर देसी पार्टी में एक बार तो प्ले होता है, और पूरी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स मिलकर बहुत मस्त तरीके से इसमें डांस करते हैं कजरारे कजरारे। लेकिन इस आइटम नंबर के पीछे भी एक कंट्रोवर्सी छुपी है। सबसे बड़ा सवाल व्यूअर्स ने एज गैप पर उठा लिया कि कैसे ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन जी ऐसे सेक्सुअली टेंशन क्रिएट कर सकते हैं स्क्रीन पर, और वो भी ससुर जी। व्यूअर्स को ये काफी इनअप्रोप्रिएट लगा। दूसरा पॉइंट उठाया फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन पर, विच इज ऑफ कोर्स, काफी क्रिटिक्स का कहना है कि ऐश्वर्या का कैरेक्टर पूरी तरह सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करा हुआ है, और इसके लिरिक्स से लेकर कोरियोग्राफी भी बहुत सेडक्शन पोर्ट्रे कर रही है, और कैसे एक फीमेल कैरेक्टर को सिर्फ मेल प्लेजर के लिए बॉयल डाउन करा गया। वैसे इन सब चीजों को साइड करें तो ये गाना अपने टाइम में सुपर डुपर हिट रहा, जो शायद आज भी है। तो नाचो गाओ और खुश रहो। तो हमारा नेक्स्ट आइटम नंबर है टिप टिप बरसा पानी, रवीना टंडन अक्षय कुमार। तो पहला सवाल तो इसके नाम में ही उठ गया। ये एक आइकॉनिक सॉन्ग और म्यूजिक वीडियो है जो आज भी उतनी ही एनर्जी के साथ फील करा जाता है, और इसे आज भी उतना ही जोर से एंजॉय करा जाता है। रवीना टंडन और अक्षय कुमार, एनर्जी जोरदार। बट एज द नेम सजेस्ट, ये सॉन्ग भी काफी सवाल जवाब की कॉन्ट्रोवर्सी से होकर गुजरा। सबसे पहले क्रिटिक्स ने डायरेक्ट किया इसकी कोरियोग्राफी को, जो काफी एक्सप्लिसिट बताई गई, जहां पर रवीना टंडन गीली साड़ी में परफॉर्म कर रही है बारिश में, जो काफी सेक्सुअली ट्रिगरिंग बताया गया, और क्रिटिक्स ने इसे वल्गर क्लेम करा और कहा कि सिर्फ मेल प्लेजर के लिए ही बना है। आपका क्या कहना है इस वाले आइटम सीक्वेंस पर, कमेंट्स पर जरूर बताएं। तो हमारा फोर्थ आइटम नंबर है शीला की जवानी, जिसे देखकर ओल्ड एज व्यूअर्स खास तौर पर मेल जवान हो गए थे, या शायद आज भी जवान है और जीने के साल शायद बढ़ भी गए हैं। खैर, हम तो स्कूल में थे, वहां भी जवानी तो पूरी छाई हुई थी। लेकिन इस गाने को देखकर प्रॉब्लम कहाँ थी? आई गेस आपको पता ही होगा प्रॉब्लम कहाँ थी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। काफी क्रिटिक्स के इसके लिरिक्स और कोरियोग्राफी पर सवाल उठे, और कहा कि पूरी तरह से फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करा हुआ है। क्रिटिक्स ने इस गाने की वजह से सोसाइटी पर पड़ रहे नेगेटिव इम्पैक्ट पर भी फोकस डाला, कहा कि ये सॉन्ग यंग ऑडियंस के लिए बहुत डेंजरस बन रहा है। क्रिटिक्स ने कटरीना कैफ के अटायर को भी टारगेट किया और कहा कि ये बहुत रिविलिंग है, और साथ ही फीमेल रिप्रेजेंटेशन को भी टारगेट किया और कहा कि ये टोटली फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन है, जो सिर्फ मेल प्लेजर के लिए ही बनाया गया है।
आपका इस सॉन्ग पर क्या कहना है कमेंट्स पे जरूर बताएं। तो ये थे कुछ ऐसे आइटम नंबर सीक्वेंसेस जिसे काफ़ी इन्जॉय तो करा गया लेकिन टारगेट भी उतना ही करा गया, ये कहकर कि ये सब फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो आप लोगों का इन आइटम सॉन्ग्स पर क्या कहना है कमेंट्स पे बताइए, और साथ में इन सॉन्ग्स को इन्जॉय भी कीजिए क्योंकि बने तो ये इन्जॉयमेंट के लिए थे। और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अनकट को।